दोस्तों, यदि आपका नाम नीरज या वंदना है तो ये वीडियो आपके लिए खुशखबरी देने वाली हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका नाम नीरज या वंदना है तो आप हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर जाने के लिए रोप वे का फ्री सफर कर सकती हैं। चंडी देवी मंदिर के लिए रोप वे का संचालन करने वाली उषा ब्रेको कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और महिला हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली हरिद्वार की वंदना कटारिया के सम्मान में ये फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचकर लौटे भारतीय खिलाड़ियों को देश में अलग अलग तरीके से सम्मानित किया जा रहा है। इस कड़ी में हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर के लिए फ्री में रोपवे की सैर कराई जा रही है। नीरज और वंदना नाम वाले सभी यात्रियों को 11 से 20 अगस्त तक निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया गया है। कंपनी के रीजनल हेड मनोज डोभाल ने बताया कि नीरज और वंदना नाम के जो भी तीर्थ यात्री पर्यटक इस दौरान चंडी देवी मंदिर जाने के लिए रोपवे का यूज करेंगे, उन्हें उनका आधार कार्ड दिखाने पर निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचकर भारतीय खिलाड़ी वतन लौटे हैं। सोमवार को पदक विजेता खिलाड़ियों का भव्य स्वागत हुआ था। दिल्ली के अशोका होटल में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें सम्मानित भी किया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 41 साल बाद हॉकी पुरुष से मेडल आया है। दोस्तों, इस बार हॉकी महिला टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया था, भले ही टीम मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन हर खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन से देशवासियों का दिल जरूर जीत लिया। टीम की हिस्सा रही वंदना कटारिया ने हैट्रिक लगाकर अपने खेल से सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। वही सम्मान समारोह में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने मंच पर आकर सबसे पहले अपना मेडल दिखाया था। उन्होंने कहा कि जिस दिन से मेडल मिला है उस दिन से अपना मेडल जेब में रखकर घूम रहा हूं, आज भी उसे दिखाना चाहता हूं। ये मेरा मेडल नहीं, पूरे देश का मेडल है। तो दोस्तों, आपको चंडी देवी मंदिर की कंपनी उषा ब्रेको का ये फ्री रोपवे का आइडिया कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।